तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और आई होप आप लोग मुझे सुन पा रहे होगे अभी अभी। हाँ, तुम्हारा ट्यूशन चल रहा है, आई नो, दो सेकंड कुछ मिनट। तो हम लोग अभी थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह डिलीवर कर रहे हैं, आई मीन ले रहे हैं। और अभी छत में जाके कुछ देर में मैं फिर अपना जो कोविड एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 20 डेज़ का, वो आप लोग के साथ शेयर करूँगा। आई होप इट विल हेल्प यू ऑल पीपल टू रिकवर वेरी फास्ट, वेरी सूनर। और पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी काफ़ी कुछ रहते हैं सेकेंड स्ट्रेन के बाद। तो ये चीज़ें रिसर्च से और खुलासा हो गया है कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स लाइक हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइब्रोसिस, ब्लड क्लॉट्स, ये सब रेडी होते हैं शरीर में। तो ये सब के लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो यू जस्ट डू गेट बैक टू योर वर्क, जो आप पहले करते थे वैसा ही स्मूथली कीजिए। वॉक अराउंड योर वॉकिंग अराउंड ये सब ज़रूरी है, छत पे कीजिए, बाहर बहुत ज़्यादा मत कीजिए, और प्रिकॉशंस लेके चलना है। और द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग कि इम्यूनाइजेशन आपको करना है, वैक्सीनेशन, जिनका पहला डोज हो गया है, दूसरा डोज अगर वो कोरोना अफेक्टेड नहीं है तो वो जल्द से जल्द लीजिए। पर बाहर भीड़ से बचिए, प्रिकॉशन लेते हुए काम कीजिए, हो सके तो पीपीई किट पहन के जाइए। अभी मैं एक डॉक्टर परमवीर सिंह हैं, उनका वीडियो बहुत समय से मैं उनको फॉलो करते आ रहा हूँ, दिल्ली से हैं वो, अपने वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से बता रहे हैं। बट ठीक है, फिर भी अगर आप अपना पूरा शरीर ढक के और जितना पोर्शन आपने इंजेक्शन लेना है उतना ही बस एक्सपोज कीजिए और ढक के जाइए। अगर थोड़ा सा भी नाक का यहाँ मास्क खुला है तो वो ज़रूर है कि आपको कोरोना हो गई हो, और शरीर में कहीं भी कोरोना के वायरस के छींटे पड़ सकते हैं। क्योंकि हो सकता है ऐसा कोई पेशेंट आ जाए या डॉक्टर भी कोई ऐसे हो जो आप खुद भी अफेक्टेड हो, कम ज़्यादा माइल्ड हो, तो आपको सावधान रहना है। और अगर किसी को कोरोना हो गया है, रिकवरिंग में है, जो भी, तो आप प्रॉपर 2 से 3 महीने रुकिए, फिर आप अपना पहला या सेकंड डोज लीजिए। तो चलिए, बाकी हम लोग का जो कोविड का एक्सपीरियंस है ये मैं छत पे चल के, मौसम बड़ा अच्छा हो गया है पर मैं थोड़ा धूप निकलने का वेट कर रहा हूँ, तो छत पे चल के आपके साथ फिर शेयर करते हैं। अभी थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, पेड़ का अपना पपीता बढ़िया मीठा था, खाएँ, एक केला खा रहा हूँ, ये सब भी ज़रूरी है। और चलिए, थोड़ा सा तीमारदारी की ज़रूरत है मेरे बेटर हाफ को, फिर अपन मिलते हैं वीडियो में आगे, बने रहिए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और ब्लॉग को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अभी। और मौसम बड़ा अच्छा है, आइए आपको थोड़ा सा नज़ारा करा देता हूँ। थोड़ा बहुत बारिश गिरा, हवा में बूंदाबांदी हुई, फिर रुक गया थोड़ी देर के लिए, फिर धूप आया, और अभी फिर साफ़ सुथरा एकदम बढ़िया प्लेजेंट वेदर बना हुआ है। और मैं आ गया आप लोगों के साथ मुखातिब होने के लिए। 11:10 हो रहे सुबह के लगभग, आज दिन है रविवार। और क्या करूं, आप लोग को बहुत ज़्यादा जो दिमाग तोड़ो क्या बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा एडवाइसेस नहीं दूंगा। ये अपनी किस्मत थी कि अपन एक बहुत बड़े स्ट्रेन से, बहुत बड़े जो है इससे बच गए। भगवान ने हमारे को आशीर्वाद दिया, शरीर में साथ दिया, विल पावर एक समय काफ़ी कमज़ोर होते जा रहा था, बट ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और यंग एज के लोग ज़्यादा सफ़र करें इस ट्रेन में, ये तो आसपास से न्यूज़ से हम लोग काफ़ी सुने, काफ़ी देखे, कई लोगों की डेथ हुई, बहुत ही शोकपूर्ण रहा। मेरे एक दो दोस्तों के परिचय में दोस्त लोग वगैरह थे हमारे एज ग्रुप के, उन लोग काफ़ी ख़त्म हो गए। एक्चुअली लोगों का अवॉइडेंस कहीं ना कहीं उनको दिक्कत में लाया। और एक चीज़ है कि आपको रेगुलर जो होम रेमेडीज़ हैं वो आपको करते रहनी है, बिकॉज यही सब चीज़ें आपको जल्दी स्वस्थ बनाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पिछले जो फर्स्ट स्ट्रेन आया था उसमें 80% लोग होम आइसोलेशन से ठीक हुए थे, इस बार भी 80-90% लोग होम आइसोलेशन में ठीक हुए हैं। कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में पैनिक हो गए, किसी तरह से उनका या तो फिर ऑक्सीजन जो लेवल है, सैचुरेशन, वो बढ़ गया, और उनको पहले से भी हेल्थ इश्यूज थी तो वो रिवाइव नहीं कर पाए, उनको हॉस्पिटल जाना ही पड़ा ऑक्सीजन के लिए। और या तो फिर वो सेकेंड स्ट्रेन को, अगर जैसे कि हम बोल रहे सेकेंड स्ट्रेन काफ़ी अफेक्टेड रहा, अफेक्ट किया लोगों को, तो ये बड़े शहरों में इसलिए भी हुआ क्योंकि वहाँ लोग कई दिनों तक के, मतलब प्रिकॉशंस तो लिए हो रहे होंगे, बट चूँकि आसपास घिर ही रहे हैं ऐसे पेशेंट्स लोगों के, ऐसे सर्वाइवल लोगों के बीच में, तो उनका रेस्क्यू मुश्किल हो गया। एनीवेज, वीडियो कंसर्न था अपने उस चीज़ के लिए कि कैसे हम लोग कोरोना
सेकेंड स्ट्रीम से सर्वाइव किए, रेस्क्यू किए और हीलिंग ले रहे हैं अभी भी अगर बोलूँ तो। बट कोई साइड सिम्टम्स नहीं रह गए हैं, थोड़े बहुत थे मुझे चेस्ट में पेन और थोड़ा सा इधर उधर खिंचाव बॉडी एक था, बट कल से तो नहीं है बिल्कुल वो भी। आज हमारा लगभग 14 डे है टेस्टिंग कराने के बाद से अगर गिनो तो। 23 से को हमने टेस्टिंग कराया, हम लोग बाप बेटी और मियाँ बीबी तीनों हम लोग पॉजिटिव निकल गए एंटीजन टेस्ट में। यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि एंटीजन रैपिड टेस्ट जो है इसमें अगर आप पॉजिटिव आते हो तो आपका जो रिवाइव होना है या रेस्क्यू होना है वो इजीली हो जाना है। अगर आप RT-PCR तक भी नेगेटिव आते हो, पॉजिटिव नहीं आते हो रिमेंबर, तो आप ये मान के चलो कि आपको जो है चेस्ट या लंग इन्फेक्शन पकड़ चुका है, भले ही सिम्टम्स दिखाए या ना दिखाए, कफ हो या ना हो। तो आपको RT-PCR नेगेटिव आने के बाद अगर चेस्ट से रिलेटेड इश्यूज़ है या ना है, बट आप CT स्कैन करा लीजिए। चेस्ट वाला जो एक आता है HRCT टेस्ट, जिसको हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन बोलते हैं, चेस्ट का या लंग्स का जो भी है, उसमें आपको लंग्स के जो परसेंटेज है, कितने अफेक्टेड एरियाज है आउट ऑफ 25, स्कोर भी उसी बुनियाद पे रहता है। 25 में अगर आप 18 से नीचे हैं तो आप मॉडरेट में हैं, 18 से ऊपर है तो हाई रिस्क में है या सीवियर है, और 12 या 13 से नीचे है तो लो मॉडरेट है, बट 8 से नीचे है तो आप लो रिस्क में हो या बोलेंगे कि माइल्ड है इन्फेक्शन आपका। बट ये इन्फेक्शन निकालने के लिए आपको तो फिर एज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर्स जो आपको मेडिसिन है, जो क्या बोलना चाहिए, जो स्टेरॉइड्स है लेने पड़ेंगे, बट ज़रूरत से ज़्यादा मत लीजिए। अगर आप माइल्ड में है, मॉडरेट में है तो भी 5 या 6 दिन का लीजिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है दूसरों को देख के अपने आसपास। बट अगर आप 15 या 18 से ऊपर हैं तो आपको स्टेरॉइड्स वगैरह भी लेने चाहिए। इन्फेक्शन जड़ सहित ख़त्म होना ज़रूरी है। ऐसे ऐसे भी एग्जांपल्स मैंने देखे हैं जो 22-25 के बीच में रहे हैं। हॉस्पिटल में ही एग्जाम्पल मिला था 35 के एज के आसपास, जो 22 सिटी स्कोर रहने के बाद भी वो रिकवर हुआ। बट उसको सेकेंड टाइम मैंने जब हॉस्पिटल में देखा तो उसको बॉडी एक्स वगैरह काफ़ी था, बट नॉर्मल बिहेवियर था, ऑक्सीजन पल्स उसका मैंने सामने ही देखा, सब नॉर्मल ही चल रहा था। तो उसको फिर मेडिसिन वगैरह एडवाइज्ड हुई होगी थोड़ी बहुत, बाकी वो सब साइड इशूज़ थे, वो सब ठीक हो जाते हैं धीरे धीरे, चूँकि स्कोर इतना ज़्यादा रहने के बाद रिकवर किया है। और फिर भी उसका हाँ दोबारा उसका 13 जो है स्कोर था CT स्कैन में, बट वो भी कम हो जाता, थोड़ा सा और मेडिसिन लेने की उसको ज़रूरत रही होगी। और बस यही है। और हम लोग कैसे रिवाइव किए, हम लोगों ने होम रेमेडी एज प्रिकॉशंस हमने पहले घर में लेना शुरू कर दिया था। कोरोना के जो टैबलेट्स हैं, कोरोना के कोरोनल टैबलेट्स जो है, उसमें एक श्वासरी भी रहता है एक टैबलेट, जो कि आपको लंच से और डिनर से पहले लेना रहता है दिन में 2 टाइम, और लंच या डिनर के बाद आपको कोरोनल टैबलेट्स लेना रहता है। यही 2 चीज़ रहता है मेनली लेने के लिए किट में, और एक रहता है जो कि आपको सांस नली नाक की जो है उसको ठीक करने के लिए, वो एक तेल का मिश्रण रहता है। स्पेशली अगर बात करूँ तो उसमें सुगंधित अजवाइन तेल रहता है, बाकी तो जड़ी बूटियों का मिक्सचर रहता ही है। तो इस तेल का जो है इसको आपको सांस नाक के सांस नली में ले लेना है और सूंघते रहना है। तो अगर आपके वायरस इधर उधर कहीं पर फंसा हुआ है या बैक साइड में नोज के जहाँ पर जनरली रहता है, वो काफ़ी हद तक क्लियर करेगा। ये सब प्रिकॉशंस के तौर पर हमने लिया था, इसलिए मेरा तो सिम्टम्स वैसे देखा जाए तो बीच बीच में आया गया टाइप का, बट वैसा नहीं जैसे कोरोना के पेशेंट्स को होता है। बट हाँ, थकान वीकनेस था मुझे 8-9 डे के बाद काफ़ी, तो काम करते रहे अपन, रेस्ट भी लेते रहे तो अपना रिवाइव हो गया, जल्दी रिकवर हो गया अपन। बाकी सीवियर केस के लिए मैं कोई ऐसा खास ये नहीं बताऊंगा, बाकी एक डॉक्टर परमवीर सिंह जी हैं दिल्ली से, उनके आप रेगुलर जो है ब्लॉग्स देखिए, आपको काफ़ी कुछ एक बात ध्यान रखना है कि आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना है। और अगर सोशल मीडिया न्यूज़ या नॉर्मल न्यूज़ चैनल से आपको हाइपर सिचुएशन होता है तो आप अवॉइड कीजिए, बाकी जानकारी एक हद तक लेके रखने के लिए ज़रूरत है। हम सभी के लिए लाइफ में ये पहली बार है, तो आपको एक सही मात्रा में जानकारी बिल्कुल होना चाहिए कि आप रिकवर होते भी हैं तो उसके बाद आपको क्या पोस्ट कोविड सिम्टम्स हो सकते हैं। पोस्ट कोविड सिम्टम्स अभी सेकेंड स्ट्रेन के बाद देखा जा रहा है कि बहुत तो कोई आ रहा है सभी एज ग्रुप के लोगों को, बट ज़्यादा सीवियर अगर हो सकता है तो BP पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स और डायबिटिक पेशेंट्स को ही हो सकता है।
तो ब्लड टेस्ट्स वगैरह रिकमेंडेड है, डीडीमार टेस्ट है, कोएगुलेशन ब्लड टेस्ट है, ये सब में जो है आपको, जिसको मैंने पहले भी बताया, ब्लड क्लॉट्स आ सकते हैं आपके शरीर में, फाइब्रोसिस हो सकता है ब्लड्स में, ये सब से आपको टेस्ट के माध्यम से चेक करवाना है, ज़रूरत पड़े तो मेडिसिन लेना है। और सबसे बेस्ट आपको घर में जो है नॉर्मल वॉकिंग एक्सरसाइज करने हैं, अपने रूटीन में रहना है, रूटीन वर्क में, ताकि आपके गठान वगैरह है तो सब ठीक हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा आप सीवियर बीपी या शुगर के पेशेंट हैं तो उतना ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, बट डॉक्टर्स जो आपको बताएंगे उतने आपको मेडिसिन लेने हैं, उतने आपको नॉर्मल रूटीन में काम करना है, ताकि आप जल्दी बेहतर हो सके। बट आपको सब टेस्ट मैं बोलूँगा करा लेना चाहिए अगर आप बीपी और शुगर के हार्ट के पेशेंट हैं। तो पोस्ट कोविड सिम्टम्स है, कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊँ तो मॉर्टेलिटी रेट भी शायद हमारी कम हो जाने के चांसेस है, अगर हम पहले रूटीन वाले अपने इसमें ना आ पाए तो। इसलिए हमको एक्सरसाइज नहीं छोड़ना, डाइट हाई प्रोटीन डाइट लेने, अच्छी डाइट लेने, फाइबर लेना है फॉर्म ऑफ सलाद्स और ये जो है वेजिटेबल्स, और विटामिन डी का इंटेक हमको सन से मिलेगा, सूरज से, विटामिन सी और जिंक का इंटेक भी रखना है। ये सब चीज़ें अब आम हो गई है, मैं बता के आपको बोर नहीं करना चाहता। बाकी हमने ये रूटीन्स फॉलो किए थे तो जल्दी रिकवर हो गए। मेरी बेटी को खांसी वगैरह आया था बट वो भी 2 या 3 दिन में ठीक हो गई। थोड़ा सा मैं लगा था कि उसका खांसी बढ़ ना जाए, और केमिस्ट ने मुझे एडवाइस किया था कि बच्चों को ज़्यादा ध्यान रखना है, बट ठीक है, एज सच उसको भी मुझे खास मेडिसिन इवन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 3 दिन की इनिशियल मेडिसिन पे मेरी वाइफ का टेम्परेचर कम हो गया था, मेरी बेटी का टेम्परेचर 6 मंथ हो गया था, मुझे आया नहीं था। मुझे एक दिन थोड़ा सा हेडेक हुआ था, वो मेरे रूटीन में इसलिए भी रहता है बिकॉज मैं अगर दिन में थोड़ा सा भी रेस्ट ना लूँ, सो ना जाऊँ तो मेरे को माइग्रेन होता रहता है रात भर, तो वही एक दिन आया था। कफ थोड़ा सा था, इरिटेशन था, वो मैंने एक दिन में ठीक कर लिया था। बॉडी एक वगैरह जो है काफ़ी लंबे समय तक रहा बट निकल गया। और सबसे मेन बात कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी मेरा टेस्ट स्मेल कहीं नहीं गया था प्रॉपर। मेरी बेटी और वाइफ को टेस्ट चले गया था तो मैं अपने आप को कोविड पॉजिटिव बता भी नहीं पा रहा था मैं कहाँ से हूँ, बट टेस्ट में आ गया, साथ में था बोल के आ गया, तो सिम्टम्स आए 2-4 थोड़े थोड़े समय के लिए, दोबारा नहीं आया। तो ये था हमारा पूरा कोविड का साइकिल, हमने कैसे क्रॉस किया, क्या क्या सिम्टम्स आए। बहुत ज़्यादा अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे। आपको मैं जो अपनी तरफ से एहतियात हो सके, जो रूटीन चेकअप्स है, जो रूटीन आपको करना चाहिए, हाँ एक मेन चीज़ है, आपने अपने पास पल्स ऑक्सीमीटर रखना ज़रूरी है। बीपी वाले हैं तो शुगर वाले हैं तो अपना मेडिसिन जारी रखिएगा, बिकॉज इस दौरान बीपी और शुगर जो है काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है ब्लड प्रेशर वालों को कई बार, और जो डायस्टोलिक है वो हाई रहता है, तो चिंता का विषय है। 100 और 105 से ऊपर मत जाने दीजिए, मेडिसिन से कंट्रोल में रखिए और बाकी कोविड की मेडिसिन लेते रहिए। 5 दिनों का रहता है, नॉर्मली आप रिकवर हो जाएंगे। खाने पीने का गर्मा गर्म अच्छा सेवन कीजिए, ठीक हो जाओगे। ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं कि आपको प्रोटीन ही लेना है, बट फिर भी लेना है तो ये सब। और नॉन वेजिटेरियन लोग को ऐसा सच दिक्कत नहीं है, बट वेजिटेरियन लोग को दिक्कत है। तो आपने जो प्रोटीन डाइट से वो आपको मिलेगा सोयाबीन से, दाल वगैरह से, बीन्स से, छोले वगैरह से, ये सब चीज़ें लीजिए, मशरूम से, तो इस तरह से आप रिकवर होते हैं जल्दी। और वीकनेस चूँकि बाद में काफ़ी रहेगा, इसलिए आपको हाई प्रोटीन डाइट इसलिए भी लेते रहना है। कफ वगैरह की शिकायत है तो विटामिन सी वगैरह लीजिए, भाप लीजिए, जिंक लीजिए, बिकॉज जिंक जो है शुगर वालों को बहुत ज़रूरी है, आपके शरीर में इंसुलिन की कमी होनी शुरू हो जाती है, इसलिए जिंक और दूध लेते रहिए दिन में। जिंक तो 2 बार ही लीजिए, दूध वगैरह का सेवन बार बार करते रहिए, गर्म भी है और प्रोटीन भी मिलेगा आपको, कैल्शियम भी है, बहुत कुछ है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है, बट मेरी और ख़ास एक्सपीरियंस अगर उनसे जानना चाहेंगे तो आप ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और उसमें आप अपना डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं अपन, और कोविड से रिलेटेड मैं अब जब तक घर में ब्लॉग बनाने का टाइम रहेगा या जब तक लॉकडाउन सिचुएशन में अपन फंसे हुए हैं तो ये सब चीज़ें अपनी वीडियो में शेयर करते रहूँगा। अब विस्तृत जानकारी एक एक पर्टिकुलर ब्लॉग के माध्यम से आएगा, तो बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिए। कोई डॉक्टर की हैसियत से मैं कोई चीज़ें आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस जो रही है, मैं मेरी बेटी और परिवार के बाकी लोग हम अफेक्टेड हो गए थे,
तो ये एक्सपीरियंसेस मैं उस आधार पे शेयर कर रहा हूँ क्या होम आइसोलेशन में रह के कर सकते हो। ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 94 से नीचे कांस्टेंट बना रहता है तो आपको ज़रूरत है डॉक्टर से कंसल्ट करके, हो सके तो डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाइए। अगर सांस आपकी अच्छी चल रही है तो ऐसा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में ही रिकवर हो सकते हैं। एक्सरसाइजेस कीजिए, हल्की फुल्की सीढ़ी चढ़िए उतरिए और अपना ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहिए। तो ये सब डिवाइसेस ज़रूरी है, और हाँ थर्मामीटर भी रखिए अगर आपको रह रह के हाई फीवर आ रहा है और 3 दिन से 4 दिन से ज़्यादा आ रहा है फीवर, तो सतर्क होने की बात है, थर्मामीटर रखिए, मेजर करते रहिए। तो चलिए ब्लॉग यही रखते हैं, बाकी रिलेटेड इश्यूज से कोई क्वायरी हो तो आप मुझसे बेझिझक सवाल कर सकते हो। आगे के वीडियोस में कुछ और रिलेटेड चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्या मेडिसिन किस प्रकार लिया, कितना लिया इनटेक, ये सब चीज़ आपको मैं बिल्कुल दिखाऊँगा। बने रहिए फिर।